अच्छा भैया, चैप्टर का नाम है एटम, ठीक है, और इसमें पूरे एटम को कंप्लीटली पढ़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस, उसमें केवल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, आज की क्लास में थ्योरी है और ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है सारी की सारी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो एटम का जिक्र किया गया था वो भारत में ही किया गया था, लेकिन खैर उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ना है नहीं। जो सबसे पहले एटम का मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था, क्या दिया, हाँ जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से आपका एटम जो होता है, ठीक है भैया, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसमें जैसे खरबूजा होता है, क्या होता है, खरबूज का जो रेड वाला पार्ट होता है, तरबूज होता है, जो खरबूज तरबूज जो होता है उसका रेड वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, हाँ और जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये हाँ भैया मतलब कहने का मतलब है कि जो सीड्स होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं, क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, उनकी जगह क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। आप उनको एनर्जी भी दोगे फिर भी वहां से निकलने वाले नहीं है, समझ गया भैया। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, ठीक है, और ये मॉडल इन्होंने बोला भैया, इतना बोल करके खत्म हो गए, ठीक है भैया। हाँ, इन्होंने एक बात बोली थी कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है, ठीक है, यही बात सही थी, बाकी इनका मॉडल क्या था, सरे से गलत था, ठीक है भैया। और अभी अब देखिए भैया, सुन लीजिए, बड़ी बोलिए मत कोई भी, ठीक है, कह रहे भैया, एन एटम, इन्होंने कहा एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैटर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, धसे हुए होते हैं, ठीक है भैया। द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हर जगह पर यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहीं पर ऐसा नहीं होता कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पर ऐसा नहीं होता कि कम नेगेटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है भैया, ठीक है। ओवर द एंटायर एटम द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन साइड द कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीड्स इन द वाटरमेलन। कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स जैसे होते हैं, ठीक है भैया। द प्लम इन द पुडिंग, जैसे हलवे में क्या होता है भैया, मेवे, हलवे में जैसे मेवा धसे होते हैं, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं भैया, एटम के पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है भैया। दैट्स व्हाई द थॉमसन एटम एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे भैया, प्लम पुडिंग मॉडल, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है भैया। द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन सच अ मैनर, कह रहा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उसके अंदर व्यवस्थित होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो भी रिपल्शन होता है उसको काउंटर बैलेंस कौन करता है भैया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसे होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उनको पकड़ के रखता है रिपल्शन के बावजूद भी। इलेक्ट्रॉन 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 पे सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, उनको पकड़ के रखा है ताकि वो रिपल्शन उनके ऊपर कोई फर्क ना दिखा पाए, समझ गए भैया। दैट्स व्हाई देयर म्यूचुअल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहा है, इज बैलेंस बाय देयर अट्रैक्शन विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। दीज एटम्स आर होल स्टेबल एंड न्यूट्रल, ये एटम जो होता है पूरी तरीके से क्या होता है, स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है, स्टेबल मतलब कि ये बना रहेगा ऐसे ही अपने अस्तित्व में, और न्यूट्रल मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है इनके हिसाब से। केवल यही बात सही थी, बाकी और सारी बातें गलत थी। चलो भैया बातें, इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं, अभी मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको, इनका मॉडल कैसे था और ड्रॉबैक्स देखिए। ड्रॉबैक्स में आपने एक पढ़ा होगा 11th क्लास में, एटम चैप्टर, एटम चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे आता है, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन जब वो वापसी आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, जो उसने गेन कर रखी है वो एनर्जी को, जो उसने गेन करी थी ग्राउंड स्टेट से जिस एनर्जी की वजह से कहाँ गया था, एक्साइटेड में, उसको वापस आते वक्त क्या करता है, रिलीज करता है। वहां पर एक बनता है स्पेक्ट्रम, क्या बनता है, जिसमें आपको पढ़ना लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड हम्पटन, ठीक है भैया, ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं इसको। ये स्पेक्ट्रल सीरीज जब भी बन सकती है जब इलेक्ट्रॉन धसा ना हो, इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन फिक्स ना हो, एनर्जी लेने के बाद कहां चले आए वो, एक्साइटेड में, और फिर वापसी आए ग्राउंड स्टेट में। लेकिन थॉमसन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन धसा हुआ होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, यानी इनका जो मॉडल था वो स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक और इनकी ड्रॉबैक थी, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट की जाती है, अल्फा पार्टिकल जब छोड़े जाते हैं, तो 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधा सीधा एटम से उस फॉइल के आर पार हो गए। तो इसका मतलब यही था कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है,
99.9%। लेकिन भैया थॉमसन के हिसाब से एटम क्या है? सॉलिड है। क्या है? थॉमसन के हिसाब से एटम क्या है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसी के अंदर कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा अगर एटम सॉलिड होता तो अल्फा पार्टिकल पार ही नहीं आ पाता। लेकिन हमने देखा कि एटम जब हमने बॉम्बार्डमेंट की, फेंका अल्फा पार्टिकल को किसकी तरफ? गोल्ड फॉइल की तरफ, तो 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? सीधे आर पार निकल गए। इसका मतलब एटम अंदर से सॉलिड नहीं होता, खाली पार्ट होता है, बहुत बड़ा खाली पार्ट होता है। 99 पॉइंट ना होलो नहीं कह सकते, 99.9% पार्ट क्या होता है? खाली होता है। तो एक तो ये रदरफोर्ड के हिसाब से इनका मॉडल फेल हो गया, और दूसरा इनका मॉडल स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है ना, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज करता है, ग्राउंड से कहाँ जाता है? एक्साइटेड। समझ गए भैया? ये लिखना है आपको, ठीक है भैया, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं भैया, इसके मॉडल को देखिए। ये है मॉडल, यह है इनका मॉडल। मॉडल में क्या है भैया? देखिए ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज ऐसा ऐसा है ना, और उसमें कौन धंसा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। समझ गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल किन वजहों से फेल हो गया, तो आपको बता दिया मैंने। पहला क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम। देखिए आजकल मॉडर्न फिजिक्स में हमने देखा है, मॉडर्न आजकल क्या, बहुत पहले से ही, ठीक है, बोर के टाइम से, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो जाता है कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट, और वापसी आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। अगर इनफाइनाइट से पहले ऑर्बिट में आता तो लाइमन बन जाता है, दूसरे ऑर्बिट में आता है तो पास्टन बन जाता है, तीसरे ऑर्बिट में आता तो ब्रैकेट, चौथे ऑर्बिट में आता तो पढ़ेगा भी। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ये सब बातें हैं 11वीं की थोड़ी बहुत, लेकिन 12वीं में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है भैया, डेरिवेशन भी करोगे, किस तरीके से अलाइमन, बाल्मर, पाशन, किस केस में एनर्जी मैक्सिमम होती है, किस केस में एनर्जी मिनिमम होती है, ये सब आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है भैया, तो स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरा भैया, ये फेल हो गया जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर पार हो गए, इसका मतलब एटम सॉलिड नहीं होता, क्या होता है? बहुत सारा पार्टिकल। इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है भैया, समझ गया? ये लार्ज एंगल वही समझ लेना है, इसको जो मैं बोल रहा हूँ ना वही है, आप अभी इसको उसकी भाषा को नहीं समझ पाओगे, बाकी इसका मतलब यही है कि एटम के, इनके अकॉर्डिंग एटम क्या है? सॉलिड है। ठीक है, लेकिन हमने देखा ऑब्जर्वेशन में कि एटम क्या है? होलो है, एम्प्टी है, एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस का है, एम्प्टी। उसके बाद आया भैया सबसे काबिल साइंटिस्ट, जिनका नाम था रदरफोर्ड, और उनके दो चेले साथ में थे, गीगर एंड मार्सडेन। गीगर और मार्सडेन दो चेले थे इनके, इन्होंने मिल करके ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और काफी ज्यादा, मतलब ये लगा लो कि आज की जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, ठीक है, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स है, वो सबके सब इन्हीं की वजह से। ठीक है, अगर इन्होंने एटम को सही से एक्सप्लेन नहीं किया होता तो बोर भी अपनी एक्सप्लेनेशन को सही से दे नहीं पाते, बोर इनके बाद इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है भैया, तो इन्होंने कहा भैया, इन्होंने देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए, मैं आपको चित्र से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका जो लिखवा रखा है मैंने वो बता दूंगा। इन्होंने क्या किया, चारों ओर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, दीवार है, समझ लो पन्नी की दीवार है, और जो पन्नी है उसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो चीज होती है जिसपे कोई चलता हुआ पार्टिकल अगर टकराता है तो वहां पर क्या होता है? फ्लैश आता है, लाइट का फ्लैश आता है। क्या आता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? नॉर्मल एक पन्नी जैसी होती है, ऐसा मतलब पार्टिकल, उसका मटेरियल क्या होता है? अलग होता है, बाकी होती कैसी है? पन्नी जैसी होती है। जब उसमें कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल टकराता है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक के साथ जाके टकराएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल टकराया है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, क्योंकि उनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इसी, हाँ, जब टकराएगा, ग्लो करेगा तो आपको दिखेगा, चार्ज पार्टिकल नहीं देख पाएगा, लाइट तो देख लेगा, मोटी बुद्धि। ठीक है, समझ गया? पहले जो ट्यूबलाइट आती थी ना, मोटी मोटी वाली, गोल वाली, उसमें भी फ्लोरोसेंट का ही कंसेप्ट था। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जाते हैं, टकराते हैं ट्यूबलाइट, देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर की चारों ओर होती थी, ट्यूब तोड़ी थी कभी? ट्यूब में उसमें देखा, व्हाइट 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 कलर की कुछ होती थी उसमें,
तो वो फ्लोरोसेंट क्रिएट करता था, उसमें जब टकराता था तो ग्लो करती थी वो, ठीक है। अब तो ये एक एलईडी है, ठीक है भैया। तो ये क्या भैया, चारों ओर से हमने कवर कर दिया, किससे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन से, ठीक है भैया। एक लिया छोटा सा क्यूब, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया बिस्मथ। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो भैया बड़े एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस क्या होती है? बहुत हैवी रहती है। और अनस्टेबल होने के बाद क्या करते हैं ये, अपने अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते हैं? लगातार एमिट करते हैं। उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। मान लीजिए एक नाव है, नाव पूरी भरी पड़ी है, वो समुद्र में डूब रही है, तो हम नाव को बचाने के लिए क्या करेंगे? उसके अंदर के सामान को धीरे धीरे क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही कहा था कि जब न्यूक्लियस बहुत बड़ी हो जाती है तो अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंकती है, जिसमें अल्फा बीटा और गामा होता है। तो मैं अल्फा पार्टिकल की नीड है, बिस्मत में अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बिस्मत लिया हमने, बिस्मत, ठीक है, बिस्मत एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर छोटा सा फाइन सा होल था, ठीक है, और ये लेड की मोटी सी कवर थी। लेड की मोटी सी कवर क्यों ली? क्योंकि भैया रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, उसमें जो रेडिएशन होती है वो कैंसर ला हो जाता है। अगर थोड़ा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि अमेरिका में बड़ा लफड़ा हुआ था, ठीक है। एक ट्रक जा रहा था, उसमें से छोटा सा कैप्सूल साइज का रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिर गया था, ठीक है। मात्र उस कैप्सूल साइज के रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ढूंढने के लिए पूरी सिक्योरिटी लगी हुई थी, ठीक है। और सुना होगा न्यूज में, जो न्यूज वगैरह देखता होगा, ये करीबन तो 1 साल हो रहा है इस बात को, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्या था, एक कैप्सूल के साइज का, और वो भी पता कहाँ गिरा था? एक बहुत बड़े खुले इलाके में जहां पर कोई आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको ढूंढने के लिए बड़ी होड़ लगी थी। होड़ मतलब वो बहुत अच्छी चीनी थी, जो भी इसको कांटेक्ट में आता ना उसको कैंसर पक्का, ठीक है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए बिस्मत को कहाँ रखा गया? एक लेड की मोटी सी, लेड क्या होता है पता आपको? एक एलिमेंट होता है, ठीक है, लेड एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर बिस्मत को रखा गया। बिस्मत से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकले जो इधर उधर निकल रहे थे, तो वो तो लेड एब्जॉर्व कर ले रहा था उसको, लेकिन जो इस होल से निकले वो क्या हुए? बाहर की तरफ सीधा निकले, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बता दूं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो आपने हीलियम नाम सुना है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है। हीलियम जो होता है, हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, तो हीलियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, दोनों दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस बनती है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल, समझ गए? जब हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया जाता है तो क्या बनता है? अल्फा पार्टिकल बनता है, ठीक है भैया। अब ये अल्फा पार्टिकल निकले, फिर अगर मैंने आपको, देखिए कोलीमेटर होता है, कोलीमेटर का काम क्या होता है? देखिए भैया, मान लीजिए चार लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, कोलीमेटर की बात बता रहा हूँ, कोमल रुक जा, कोलीमेटर, ठीक है, चार लाइन जा रही है सीधी सीधी, उनमें से एक दो बच्चा इधर उधर हिल रहा है, तो कोलीमेटर क्या करता है? सबको एकदम प्रॉपर कर देता है, रैप्टा मार के एकदम सीधा कर देता है। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल क्या थे, कुछ अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन क्या थी? डेविएट कर रही थी, तो जब इस कोलीमेटर से पास किए तो उनकी डायरेक्शन का एकदम सीधी हो, क्या होगी? अभी देखिए, हाँ समझ गए, कहां से निकला? बिस्मत से निकला, लेड के अंदर एनक्लोज था, कोलीमेटर से पास हुआ, लाइन एकदम क्या होगी? सीधी होगी, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया अल्फा पार्टिकल का। और यहां पर लगी थी आपकी गोल्ड फॉइल, क्या लगी थी? गोल्ड फॉइल। अब कई बच्चे को ये भी सुनने भाई गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? भैया गोल्ड जो होता है बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है, उसको पीट पीट करके गोल्ड से पतली फिल्म आप किसी की तैयार नहीं कर सकते, तो पीट पीट करके इसको फिल्म बना दिया। आपको बता दूं, इस फिल्म की जो मोटाई थी वो एक दो एटम या तीन एटम के बराबर थी, ज्यादा नहीं थी, तीन एटम की मोटाई के बराबर की फिल्म है ये, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, वो पहले टूट जाएगा, ठीक है। तो भैया जैसे ही अल्फा पार्टिकल गया यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 अल्फा पार्टिकल गए, ठीक है, तो 98 अल्फा पार्टिकल का फ्लैश यहाँ पे आ गया, समझ गए? एक अल्फा पार्टिकल, मैं 100 का डाटा बता रहा हूँ, बाकी डाटा तो बहुत बड़ा है, अरबों में होता है, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे आ जाए, इसके अंदर डेविएशन हुई है, क्या हुई है? और इनमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ है? दोबारा बाउंस बैक करके अपने रास्ते में आ गया, ठीक है भैया। अब इससे क्या पता लग रहा है कि भैया जब 98% अल्फा पार्टिकल पास कर गया, तो इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या भैया? खाली है। क्या है? कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, तो इसका मतलब अल्फा पूरी तरह से खाली नहीं है, एटम का पूरा पार्ट उसके अंदर कुछ है, जो कि क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल के अंदर डेविएशन का कारण बन रहा है, जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भैया। और उतने बड़े में से, मतलब उस खाली से एटम में, इतने बड़े नंबर में से मात्र केवल एक अल्फा पार्टिकल था जो कि गया और वापसी उसी रास्ते पर आ गया। इसका मतलब सेंटर पर
एक बहुत मैसिव चीज है, ठीक है, जहां पर एटम का सारा पार्ट सिचुएटेड होता है और पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं क्या कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, तो क्या होता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो जब ये अल्फा पार्टिकल पे गया, ये न्यूक्लियस के पास गया, न्यूक्लियस के पास गया तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, बाउंस कर दिया। लेकिन इनकी संख्या क्या थी, बहुत कम थी, क्या थी, ना के बराबर थी, अल्फा पार्टिकल जो ऐसे करके आए, ठीक है भैया। तो हमने देखा कि जिनके अंदर डेविएशन नहीं हुई, जिनके अंदर डेविएशन, देखिए ये डेविएशन है, ये डाइवेशन और बढ़ गई, ये डाइवेशन और बढ़ गई, है ना, ये एंगल देखो, है ना, ये डाइवेशन और बढ़ गई, ये डाइवेशन क्या होगी। अब इस रास्ते देखिए, एक पार्टिकल ऐसे चलाया तो उसके अंदर देखिए, एक पार्टिकल ऐसे गया और फिर वापसी हुआ, ऐसे आ गया, तो इसके अंदर कितनी डाइवेशन हुई, 180 डिग्री की डाइवेशन कहते हैं इसको। हम इस लाइन के हिसाब से डाइवेशन को देख रहे हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, इसके अंदर डाइवेशन कितनी हुई, एक अल्फा पार्टिकल ऐसे हो सकता है स्कैटर्ड हो गया न्यूक्लियस की वजह से, ऐसे चला गया तो इसके अंदर डाइवेशन ऐसे हुई, एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया तो इसके अंदर डाइवेशन, एक अल्फा पार्टिकल उल्टा आ गया तो कितना हुआ, 180। 180 वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या थी, ना के बराबर थी, बहुत कम थे, 9000 में से एक इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे आया, समझ गया। तो भैया ये ऑब्जर्वेशन थी, इसके बाद कंक्लूजन निकलेगा, तो खैर पहले अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे भैया, रेडियो एक्टिव सोर्स, अल्फा पार्टिकल का रेडियो एक्टिव सोर्स था क्या था, बिस्मथ 83214। 83 क्या उसका एटॉमिक नंबर है और 214 क्या है, मास नंबर है। इज एनक्लोज्ड इन थिक लेड ब्लॉक, इसके अंदर बंद किया गया, ठीक है, प्रोवाइडेड विद अ नैरो ओपनिंग, एक छोटा सा उसके अंदर होल था जहां से वो अल्फा पार्टिकल निकल सकता था, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस सोर्स आर कोलिमेटेड, कोलिमेटेड उनको प्रॉपर अलाइनमेंट किया गया, किसके थ्रू, स्लिट के थ्रू, किसके थ्रू, स्लिट, याद हो ना भैया, छोटा सा फाइन सा होल जो उसको करता है। द बीम इज अलाउड टू फॉल, बीम को क्या किया, छोड़ दिया गया, किसके ऊपर गिर रही है वो, इतनी मोटी थिक गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल क्या कर रही है, चारों ओर उनको क्या कर रही है, फैला रही है। और इस चीज को देखा गया, एक रोटेबल देखिए रोटेट करने वाला डिटेक्टर होता है, ठीक है, ऐसा मैंने बताया ना, ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, क्या है ये। तो जब गोल्ड फॉइल ने इनको ऐसे ऐसे फेंका ना, तो यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप सा होता है, तो जहां पर भी फ्लैश होता है ना, इसका मुंह उधर चला जाता है, ठीक है, ये फ्लैश हुआ इधर चला गया, ये फ्लैश हुआ इधर, तो फ्लैशेस को गिनता है, हाँ जितने फ्लैश हुए उनको क्या करता है, गिनता है, तो गिनता है तो पता लग जाएगा भैया यहाँ पर इतने अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक हुए, समझ गया। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है उसका नाम क्या था जो ऊपर पीला रंग है, अल्फा पार्टिकल, कोलिमेटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन आर ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ रोटेबल डिटेक्टर, ठीक है, मैं जो भी काउंट उनकी काउंटिंग कर रहा था कि कहाँ पे कितनी फ्लैश आ रही है, ठीक है। लिखा कंसिस्टिंग ऑफ द जिंक सल्फाइड, और जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी ना, किसकी बनी थी, जिंक सल्फाइड की, ठीक है, एंड द माइक्रोस्कोप से जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे थे उन फ्लैशेस को, ठीक है भैया। स्ट्राइक द स्क्रीन, ठीक है, इट प्रोड्यूस द टाइनी फ्लैशेस, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, छोटे से छोटे फ्लैश को उत्पन्न कर रहे थे, विच इज व्यूड थ्रू द माइक्रोस्कोप, किससे देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप। इन दिस वे द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड डिफरेंट एंगल कैन बी काउंटेड, इस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है उनको गिना जा रहा था, समझ गया भैया। कह रहा था होल एपरेटस इज एनक्लोज इन द इवैक्यूएटेड चैम्बर, ये समझे, पूरे एपरेटस को जो सेटअप हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है, वो क्या है भैया, वैक्यूम है, वहां पर क्या है, रीजन क्या है वैक्यूम का। अब देखिए भैया, ताकि जो अल्फा पार्टिकल आप छोड़ रहे हो वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराए ना, क्योंकि तो अल्फा पार्टिकल तो खुद ही छोटा है, एयर के मॉलिक्यूल जब संपर्क में आएगा तो क्या होगा, टकरा जाएगा, तो उसके अंदर वैसे ही पहले ही रास्ते में क्या होगी, डाइवेशन आ जाएगी। हमें यहाँ पर डाइवेशन किसकी वजह से नोटिस करनी है, न्यूक्लियस की वजह से, किसकी वजह से, तो इसलिए वहां से एयर हटा दी गई, इवैक्यूएटेड चैम्बर कहते हैं जहां से एयर नहीं होती, ठीक है भैया। भाई पूछ रहा वैक्यूम हो रहे हैं तो यही होता है। वैक्यूम एयर होता है, ठीक है, फेल है तो, ठीक है आपने भैया। अब वो ये इसकी बात कर रहा है, मैं बता दूंगा, परमिटिविटी की बात कर रहा है, अब परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ना, वैक्यूम और उसके लिए सेम होती है, बाकी वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होता और एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, परमिटिविटी की बात मैंने की होगी, समझ गया, ठीक है, समझ गया। तो ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को नोटिस किया गया, और ये वैक्यूम इसलिए रखा, भाई प्लीज
वैक्यूम इसलिए रखा गया ताकि कोई भी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज वो चेंज होगी तो किसकी वजह से होगी, गोल्ड फॉइल की ठीक है वजह से, समझ गया। अब डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ये चारों ओर से क्या है भैया, क्या भैया, जिंक सल्फाइड या फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये क्या है भैया, माइक्रोस्कोप, जो कि क्या कर रहा था, किसको काउंट कर रहा था, फ्लैशेस को, फ्लैशेस जितने फ्लैश होंगे उतने अल्फा पार्टिकल की वैल्यू पता लगेगी ठीक है भैया। और ये क्या भैया, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, जो पहले ऐसे आ था लेकिन न्यूक्लियस की वजह से क्या हुआ, ऐसे चला गया, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ये क्या भैया, गोल्ड फॉइल, इसके अंदर क्या भैया, वैक्यूम है। और ये क्या भैया, रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या है, बिस्मथ, क्या है, खुराक मांग रहे हैं ना ठीक है। बिस्मथ बोला तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कहां से आ रहे हैं, बिस्मथ, समझ गया। अब देखिए भैया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में देखा गया भैया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो डेविएट हुए थे, क्या हुए थे, मतलब उनका एंगल ज्यादा था, बहुत ज्यादा नंबर अल्फा पार्टिकल का एंगल क्या था, बहुत कम था, बहुत कम था, लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन जो इन अल्फा पार्टिकल के अंदर हुई थी उनका नंबर क्या था, बहुत कम था, समझ गए भैया। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा भैया ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल क्या ही है, मतलब जो उसके अंदर क्या हुई, पहले ऐसे आर थे फिर ऐसे भटक गए, तो ये स्कैटरिंग एंगल है, क्या है ये किसने भटकाया इसको, ये अल्फा पार्टिकल ने, किसने, गोल्ड फॉइल की न्यूक्लियस ने ये भैया। तो ये जो थीटा एंगल था, ये अगर मैं ज्यादा कर दूं तो अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अगर आप ऐसे पार्टिकल को देखते थे जिनके लिए थीटा ज्यादा होता था तो उनकी संख्या क्या होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू जीरो देखते थे तो उनकी संख्या क्या होती थी, बहुत, आपको याद है ना, बहुत सारे पार्टिकल सीधा सीधा निकल गए थे, तो उनको, उनके अंदर कोई डाइवेशन नहीं हुआ, यानी थीटा की वैल्यू उनके लिए क्या थी, जीरो थी, क्या थी। तो मैंने देखा नंबर जिनका ज्यादा है उनके लिए थीटा क्या है, कम है, और जिनका थीटा ज्यादा है उनका नंबर क्या है, कम है। ये ग्राफ है ठीक है भैया, इसको ध्यान रखना कि नंबर थीटा के क्या है, इनवर्सली है, थीटा जिनका, जब थीटा ज्यादा करता हूं तो नंबर क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, कम हो जाता है, और जब थीटा कम करता हूं तो नंबर क्या होता है भैया, समझ में आ गया तुमने। लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस इन स्ट्रेट, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है भैया, बहुत छोटा अगर डिफ्लेक्शन हुआ था तो हुआ होगा, वरना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जाओगे सीधा सीधा पास कर गए, ठीक है भैया। लिखा हुआ है ओकेजनली, ओकेजनली मतलब बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर केस में अल्फा पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक मतलब कि गया और वापसी सीधा, उनकी संख्या क्या थी, बहुत कम थी, नियरली 180 डिग्री पे जो वापस आए उनकी संख्या क्या थी भैया, बहुत ना के बराबर थी, समझ गए भैया। कंक्लूजन देख भैया, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या निकला कि भैया एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, सीधा निकल गए, तो इससे यह पता लगता है कि भैया फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम मस्ट बी खाली होता है भैया, ठीक है। लिखो भाई प्लीज, टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग, कुछ जब जीरो से ज्यादा एंगल की स्कैटरिंग के लिए, जो जिनका डेविएशन एंगल जो था जीरो से ज्यादा था, उसके लिए बताया गया कि भैया न्यूक्लियस एटम का सारा पार्ट खाली नहीं होता, कुछ होता है जहां पर एटम का पूरा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अलाइव करता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द होल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया, कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, समझ गए भैया। तो ये था, इसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन है, ठीक है भैया, कॉपी करो, ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए।